कि अगस्त के महीने में हम इसको हॉस्पिटल को चालू करेंगे और सितंबर में बाज़ाबता मशीन वहाँ लगेगी, लेकिन आज तक हुआ नहीं है। और मैंने एक तमाशा यहाँ देखा कि आज एक नई डायलिसिस मशीन के लिए पैसा कहीं से लाया जा रहा, हमारे MLC साहब दे रहे हैं। मैं समझा नहीं कि डायलिसिस मशीन किस लिए जमा कर रहे हो आप, एक तो पहले इंस्टॉल करो, और जबकि आपने इस पेपर पे लिखा है जो मेरे पास है कि होल डिस्ट्रिक्ट में आपके पास कोई मशीन नहीं है, डायलिसिस मशीन नहीं है, और जबकि ऑलरेडी हमारे पास हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांडीपोरा में और हाजिन में एक अवेलेबल है, और NHM में हमारे पास दो और आ रहे हैं। इसका मतलब ये पैसा बर्बाद कर रहे हैं जो MLC साहब दे रहे हैं, ये पैसा हम कोई और चीज़ खरीदने के लिए लगाएं। क्या ज़रूरी है कि डायलिसिस मशीन यहाँ लगाएं जबकि हमारी एक अभी इंस्टॉल नहीं है, हमारे एक लगाने के लिए जगह नहीं है। तो ये मैं सरासर समझता हूँ कि एक बदमाशी की जा रही है, पैसा